पीटीवी हिंदुस्तान पर आई रुकते इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या में अमित शाह का हाथ, कनाडा के मंत्री ने की पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या की साजिश में शामिल थे, इस बात की जानकारी वाशिंगटन पोस्ट को कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने दी थी। डेविड ने राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की सुनवाई में बताया कि पत्रकार ने उन्हें कॉल किया था। डेविड ने कहा, पत्रकार कई सोर्स से जानकारी लेते हैं, उन्होंने मुझसे अमित शाह के बारे में पुष्टि करने को कहा, मैंने इसकी पुष्टि की। उद्धव की नाराजगी से कांग्रेस दबाव में, महाराष्ट्र में नहीं होगा फ्रेंडली फाइट। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस उद्धव गुट की नाराजगी से बैकफुट पर है। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन चुनाव पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को ही लड़ाया जाएगा। शिवसेना यूबीटी ने इस पर नाराजगी जताई है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार दिए हैं जिन पर शिवसेना यूबीटी लड़ रही है। कितने बड़े कृष्ण भक्त हैं अभिनव अरोड़ा, हो गया लाइव टेस्ट, उसके जवाब सुनकर सिर पीट लेंगे आप। कंटेंट क्रिएटर अभिनव अरोड़ा अपने एक वीडियो को लेकर काफी दिनों से सुर्खियों में है। इस बीच एबीपी न्यूज ने अभिनव अरोड़ा से बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछे जिनका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। अभिनव से कृष्ण का मतलब पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कष्ट हटने वाला है, जबकि इसका मतलब है काला शाम। उन्होंने बाकी सवालों का भी गलत जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली, रिजिजू के साथ तवांग के लिए हुए रवाना। पड़ोसी देश चीन के साथ पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सालों से चला रहा विवाद सुलझ गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके तवांग में दिवाली मनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन, राज ठाकरे ने की इस नेता के नाम की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र के अगले सीएम कौन होंगे, इस सवाल का जवाब राज ठाकरे ने दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का सीएम बनेगा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे। राज ठाकरे ने कहा कि 2029 में एमएनएस का सीएम होगा। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह पर लाइट लगा दी है, शहर है या डांस बार है, इनको पता नहीं कि शहर को कैसे बनाया जाए। अमेरिका में महिला मतदाता अधिक, आधी आबादी के पास है ट्रंप कार्ड। अमेरिका में 10 सितंबर 2024 को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस में गर्भपात का मुद्दा गरमाया। ट्रंप 6 हफ्ते से अधिक अवधि के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध चाहते हैं, जबकि कमला हैरिस महिलाओं को यह अधिकार देना चाहती हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों में गर्भपात पर रोक लग गई है। 1944 से 2022 तक अमेरिका में महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा वोट डालती रही है। प्रियंका गांधी ने वायनाड पुनर्वास पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावितों के लिए धनराशि नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मदद का वादा किया था, लेकिन महीनों बाद भी केंद्र ने धनराशि नहीं दी। अयोध्या में दीपावली 2024 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, जानिए तिथि और मुहूर्त। अयोध्या में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि इस साल कार्तिक अमावस्या चतुर्दशी तिथि के साथ पड़ रही है। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर की दोपहर 3:22 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 1 नवंबर की शाम 5:23 पर होगी। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से रात 8:23 तक रहेगा। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 करोड़ की मैथ बरामद। ग्रेटर नोएडा के कासना औद्योगिक क्षेत्र में एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तिहाड़ जेल के एक वार्डन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक मैक्सिकन नागरिक भी शामिल है। मौके से 10 करोड़ रुपए मूल्य की 95 किलो मैथ, मेथामफेटामाइन, ड्रग्स और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल बरामद हुए हैं। बकरीद पर बाबा बागेश्वर के बयान से भड़के मुसलमान। बाबा बागेश्वर ने दिवाली पर फटाकों पर लगाए बैन पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिमों के त्योहार पर बकरी की कुर्बानी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। बागेश्वर ने कहा कि सरकार का काम है कि वो सभी धर्मों के त्योहारों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे। हिंदुओं में ये भावना आ रही है कि लगातार हिंदुओं के त्योहारों को ही निशाना बनाया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।